भारत में चमत्कार को नमस्कार लोग करते हैं और चमत्कार के नाम पर जो पाखंड होता है उसको बढ़ावा देने के लिए हर ब्राह्मणवादी हर जनेऊधारी आगे आ जाता है। कुछ इसी तरह का माहौल इन दिनों बना हुआ है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री नाम के एक बाबा की चर्चा जोर शोर से हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े न्यूज रूम्स में धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियो धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे 5 बयानों का जिक्र करने वाला हूँ, बताने वाला जो आपको ये बताएंगे कि कैसे ये बाबा ना सिर्फ पाखंडी है बल्कि किसी गली के गुंडे मवाली जैसा व्यवहार करता है। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस विवाद का एक वजह बता दूं कि दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री का एक कार्यक्रम होने वाला था महाराष्ट्र में, 13 जनवरी तक कार्यक्रम होने वाला था, लेकिन उससे पहले 12 जनवरी को ही धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी कथा का समापन कर दिया और वो भागकर वहां से वापस आ गए। अब ये कहा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन एक कानून है और समिति है, उसने धीरेन्द्र शास्त्री को खुला चैलेंज दिया था। वहां के एक समाज सुधारक हैं श्याम मानव, उन्होंने खुला ओपन चैलेंज इनको दिया था और कहा था कि अगर आप चमत्कार कर सकते हैं तो करके दिखाइए और अगर नहीं कर पाएंगे तो आपके खिलाफ FIR दर्ज होगी और आपको जेल जाना पड़ेगा। और यह कहा जा रहा है कि इसी से घबरा के जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो वहां से भाग के वापस आ गए, जिसके बाद फिर मनो मीडिया के लोग उनके समर्थन में उतर आए हैं और तमाम तरीके से यह कहा जा रहा है कि बाबा तो सही है, चमत्कार करते हैं, उनके दरबार में मनु मीडिया के लोग दंडवत हो गए हैं। लेकिन मैं आपको उनके बयानों के बारे में बताता हूं कि कैसे ये व्यक्ति किसी गली के गुंडे मवाली की तरह दो कोड़ी की भाषा का इस्तेमाल करता है। मई 2022 में धीरेन्द्र शास्त्री का एक वीडियो वायरल हुआ था जब उन पर छुआछूत को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। उस वीडियो क्लिप में वो एक व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं और जब वो व्यक्ति उनके पैर छूने की कोशिश करता है तो वो कहते हैं कि दूर हो जाओ, मैं अछूत आदमी हूँ, तुम मुझे नहीं छू सकते। उस समय उन पर अछूत शब्द का इस्तेमाल करने और छुआछूत को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। आम मान्यता ये होती है कि जो मोह माया से ऊपर उठ जाए वही साधु संत होता है और सबको समान दृष्टि से देखे, सबके प्रति प्रेम रखे, वही असली सन्यासी है। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं जो नफरत को बढ़ाती है, उन पर नफरत भड़काने का भी आरोप लग चुका है। अप्रैल 2022 में उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक समुदाय को जिसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके खिलाफ खुलेआम भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे और उनको हिंदुओं को भड़काने का भी आरोप लगा था। वो उसमें लोगों से हथियार उठाने और बुलडोजर खरीदने की बात बोल रहे थे। वो बोलते हैं, जो तुम्हारे घर पर पत्थर फेंक के उसके घर JCB लेकर चलो, क्योंकि भारत सनातनियों का है। अगर सनातनियों के देश में राम की यात्रा पर रामनवमी पर कोई पत्थर मारे, बुजदिलो कायरो जाग जाओ, सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा लो और कह दो हम सब हिंदू एक हैं। ये भाषा किसी साधु संत की भला कैसे हो सकती है, इसका अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पर जमीन कब्जा करने का भी आरोप लग चुका है। एक रिपोर्ट में, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि धीरेन्द्र शास्त्री और उनके चेले तालाब की जमीन को मिट्टी से पाच कर वहां पर निर्माण कर रहे हैं। ये रिपोर्ट सामने आ चुकी है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर जमीन पर कब्जा करने और अवैध निर्माण करने का आरोप लग चुका है। अब देखिए, जो मोह माया से अलग हो चुका है जिससे सब लोग बराबर लगते हैं, वैसा इनका चरित्र तो नजर नहीं आता, बल्कि वो जमीन कब्जा कर रहे हैं, किसी बदमाश की तरह कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने पिछले दिनों शाहरुख खान की फिल्म पठान का भी बॉयकॉट करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था अपने समर्थकों से कि तुम्हें सौगंध है ऐसे व्यक्ति जिसके नाम में खान आता है उसकी फिल्म को ना देखने। तो ये एक साधु की भाषा थी। उन्होंने कहा था, तुम्हें सौगंध है पूरे भारत के लोगों को, तुम्हें शपथ है जो सनातन का विरोध करे चाहे वो नेता हो या अभिनेता हो। देखो, तुम लोगों ने एक अभिनेता की फिल्म बॉयकॉट की थी तो सारे कलावा बांधने लगे, तिलक लगाने लगे, मंदिर जाने लगे, वो भी जिनके नाम के पीछे खान लिखा है। आज शपथ लो, दोनों हाथ उठाकर ऐसे लोगों की फिल्म नहीं देखोगे। धीरेन्द्र शास्त्री पर जादू टोना फैलाने के आरोप भी लग चुके हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के ऐसे कई वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें वो खुलेआम जादू टोने और अंधविश्वास को बढ़ावा देने जैसी बातें कर रहे हैं। वो दावा करते हैं कि वो एक पर्ची पर सब बातें लिख देते हैं, जो लोग वहां आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर पहले से ही वो अपने बारे में जानते हैं और उनकी बातों को लिख देते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि देखो यही कहने वाले थे, यही लिखने वाले थे। उन पर आरोप लगा है कि किसी तरह वो लोगों की जानकारियां जुटाते हैं या फिर सेलेक्टिव
लोगों को अपने पास बुलाते हैं जिनमें उनके अपने ही लोग होते हैं और फिर उसको इस तरह से प्रचार करते हैं जैसे वो किसी अननोन व्यक्ति को अचानक से बुलाते हैं और उसके बारे में जानकारियां देने लगते हैं। तो ये पाखंड और अंधविश्वास को फैलाने का आरोप भी धीरेन्द्र शास्त्री पर लग चुका है, जो कि एक अपराध की तरह से देखा जाना चाहिए, क्योंकि भारत के नागरिकों को वैज्ञानिक चेतना की जरूरत है, ना कि अंधविश्वास, जादू टोने, पाखंड की। अगर इन्हीं से सारे काम हो जाते तो फिर हमें इतने सारे आविष्कार करने, इतनी सारी तकनीक की जरूरत क्यों पड़ती? हम क्यों नहीं यहीं से बैठे बैठे ग्रह की दिशाओं को बता दें? हम क्यों मंगल पर मिशन भेज रहे हैं? क्यों हम मार्स पर मिशन भेज रहे हैं? क्यों हम सैकड़ों हजारों करोड़ अपने वैज्ञानिकों पर खर्च कर रहे हैं? क्यों बीमारियों की दवाइयां ढूंढ रहे हैं? ऐसे बाबाओं से ही सारे इलाज क्यों नहीं करा लिए जाते? धीरेन्द्र शास्त्री ने कई बार दावा किया कि वो सीधे फोन मिलाकर भगवान से बात कर लेते हैं, बालाजी से बात कर लेते हैं, रावण से वो डायरेक्ट कॉल पर बात कर लेते हैं और कुछ भी लोगों की समस्याएं होती हैं सीधे समाधान वो भगवान से ले लेते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि उनके पास ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे वो सीधे भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं? ऐसा कौन सा विशेष संचार उपकरण उनके पास है? कौन सा सैटेलाइट फोन है जिससे सीधे उनका कनेक्शन जो है वो भगवान से जुड़ जाता है, वो दावा करते हैं? आप सब जानते हैं इस तरह के दावों की कोई हकीकत नहीं होती, फर्जी दावे होते हैं और ये रॉन्ग नंबर है, कोई आपकी फिरकी ले रहा है। ऐसे डायलॉग आपने पीके मूवी में सुने थे, उसमें भी इस तरह के दावे होते थे कि भगवान से बात कर रहे हैं, और आप जानते हैं ये दावे सच नहीं होते और ये लोगों को उनको उनके अंदर भय डालने के लिए, उनके अंदर भ्रम डालने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं। उनके कई ऐसे वीडियो बयान वायरल हुए जिसमें वो ऐसे चमत्कार करने का दावा करते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। तो उनके ये बयान बताते हैं कि वो इन सभी तकनीकों का, इन सभी तरीकों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपना प्रचार करने के लिए और लोगों को ठगने के लिए ही करते हैं। तो आपसे अपील है कि ऐसे लोगों से सावधान रहें, ऐसे फर्जी बाबाओं से बच के रहें, वहाँ अपना धन ना लुटाएं। आपके ही धन का इस्तेमाल करके वो आपके ही खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं। खासकर बहुजन समाज के लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहना है। जो ओबीसी समाज के लोग खासकर ऐसे बाबाओं के चक्रों में पड़े हैं, उन्हें समझना चाहिए कि ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है, ये सिर्फ आपको ठगने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। SC ST ओबीसी समाज के लोगों को ऐसे बाबाओं से सावधान रहना चाहिए। ये अपनी मेहनत की कमाई से अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए, उनके लिए कुछ बेहतर काम करने चाहिए। अपनी हार्ड तोड़ की मेहनत को ऐसे बाबाओं की दान पेटी में नहीं चढ़ाना चाहिए जिसके दम पर वो तो अपनी जिंदगी में ऐशो आराम के साथ रहते हैं, मजे से रहते हैं, बहुत सारे शौक वो पूरे करते हैं, उनके पास किसी भी की चीज़ की कमी नहीं होती, हर एक उपकरण उनके पास होता है, फिर भी वो खुद को सन्यासी कहते हैं और आप मान भी लेते हैं और कोई भी हवा में कुछ भी हाथ हिलाए और आपको कहे कि चमत्कार हो रहे हैं और आप उस पर यकीन कर लें, ऐसा ना करें। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसे बाबाओं से बचकर रहें। तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, इस बातचीत पर आप क्या कहते हैं, कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि उनको समझाने की जिम्मेदारी हम सब की है। आपसे अपील है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।